तो आइए शुरू करते हैं ओजोनोलिसिस। इट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स इनटू कोरस्पोंडिंग कार्बोनिल और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। बच्चों आप जानते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो कहलाते हैं मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। तो ये मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग यानी एल्कीन या एल्काइन को कोरस्पोंडिंग कार्बोनिल और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। इट इज द टेस्ट रिएक्शन फॉर अनसेचुरेशन इन द कंपाउंड। बच्चों अनसेचुरेट कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए दो कॉमन टेस्ट होते हैं, ब्रोमीन टेस्ट होता है और दूसरा हमारा ओजोनोलिसिस होता है, जिससे हम पता कर लेते हैं कि गिवन कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं। लेते हैं नेक्स्ट की रिएक्शन में होता क्या है। When ozone gas is passed to the alkene or alkyne in presence of inert solvent followed by zinc water or dimethyl sulfide water, बच्चों इन पेयर में से कोई एक पेयर या फिर H2O2 लेते हैं, corresponding carbonyl और carboxylic derivatives obtain। अगर आपने zinc water या फिर dimethyl sulfide water लिया है तो आपको मिलेंगे corresponding carbonyl compound यानी कि alkene, और जो आपके alkyne होंगे वो carbonyl aldehyde ketone में convert हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने H2O2 लिया हुआ है ozonolysis में तो आपको carboxylic derivative मिलेगा। क्यों? तो आइए देखते हैं। रिएक्शन यहाँ पर हमने एक मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड लिया हुआ, बताया था डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिस कंपाउंड में होगा वो कहलाएगा मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। तो ये हमारे यहाँ पे एल्कीन है, एल्कीन पे हमने ओजोन गैस को पास किया है इनर्ट सॉल्वेंट में। तो यहाँ पे तीन आपको टाइप दिखाए हैं, ये तीन टाइप में आप देख पा रहे हैं कि जो दो कंडीशन आपको पहले मेंशन किया था कि जिंक वाटर अगर आप लेते हैं या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड वाटर लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा कार्बोनिल कंपाउंड, लेकिन अगर आप H2O2 लेते हैं तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव और ये कहलाएगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर हम यहाँ पे ओजोन गैस पास करने के बाद जिंक वाटर या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड वाटर लेते हैं तो ये कहलाएगा रिएक्टिव ओजोनोलिसिस, और यहाँ पर दोनों रिएक्शन में दोनों कंडीशन में कंपाउंड सेम ही बनेगा, कीटोन एल्डिहाइड, कीटोन एल्डिहाइड दोनों कंबाइंडली कलेक्टिवली कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। लेकिन अगर आपने H2O2 लिया है यहाँ पर ओजोन गैस पास करने के बाद तो यहाँ पर एक कीटोन बनेगा और दूसरा होगा हमारा कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। बच्चों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है ये कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में कार्बोनिल डेरिवेटिव बनेगा, हमेशा एसिड नहीं बनता है। लेकिन अगर आप H2O2 या परोक्साइड लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर कीटोन बनेगा और एल्डिहाइड हमेशा आपका कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, कीटोन जो है वो एसिड कैरी करेगा, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा इस कंडीशन का, लेकिन एल्डिहाइड पे फर्क पड़ेगा, वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मैकेनिज्म में आपको क्लियर करेंगे ऐसा क्यों होता है, और फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड जो है वो आपको कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव देगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओजोनोलिसिस की। दो टाइप का ओजोनोलिसिस होता है, पहला होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्लियर है? अगर मैं आपसे बोलूं कि टाइप बताइए कितने टाइप का होता है ओजोनोलिसिस, दो तरह का होता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जिसमें ओजोन गैस इनर्ट सॉल्वेंट पास करते हैं और उसके बाद जिंक वाटर या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड वाटर का पेयर इनमें से कोई कंडीशन लगाएंगे तो वो कहलाएगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, उसमें हमेशा आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। लेकिन अगर आप H2O2 लेते हैं तो ये कंडीशन कहलाती है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और इसमें आपको कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्या ये आपको क्लियर है? चलिए फिर देखते हैं ऐसा क्यों होता है। वी डिस्कस किया था कि ओजोनोलिसिस जो होता है वो दो तरह का होता है, तो जो दो तरह का होता है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। जो हमारा जिंक और डाइमिथाइल सल्फाइड होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और अगर ये प्रेजेंट है रिएक्शन में ओजोनोलिसिस में तो वो कहलाता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, जिंक और डाइमिथाइल सल्फाइड टेक्स नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेटेड इन द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट विल बी कार्बोनिल
दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन। अब हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जब हम लोग ये रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं इनमें से कोई एक, तो वो क्या करता है कि वहां पे जो हमारा ओजोनाइड होता है वहां से एक ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है, और वो नेसेंट ऑक्सीजन अगर रिएक्शन में प्रेजेंट रही तो फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, तो वो कहलाता है हमारा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। लेकिन अगर जिंक वहां पे या डाइमिथाइल सल्फाइड पड़ा हुआ है तो नेसेंट ऑक्सीजन को ये अपने साथ ले जाता है, रिएक्शन को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा, और जब रिएक्शन में फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो केवल वहां पे कार्बोनिल यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन ही आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं, बट H2O2 प्रेजेंस कॉजेस फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपको पता है कि ये कहलाती है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस या ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, जहां पर आपको केवल मिलेगा कीटोन और दूसरा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? अब तो आइए मैकेनिज्म की बात करते हैं। यहाँ पे एल्कीन है, ये हमारा ओजोन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, यहाँ पे प्लस और माइनस, दीज आर द फॉर्मल चार्जेस। आप जानते हैं फॉर्मल चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता रहता है, और ये जो चार माइनस चार्ज है ये रेजोनेंस की वजह से सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है इधर से उधर। क्लियर है? तो यहाँ पे होगा क्या कि डबल बॉन्ड ये वाला जो है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, यानी कि इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ से ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो देखिए क्या बनेगा, आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड जो है वो सिंगल रह जाएगा, और यहाँ पे ये तीनों ऑक्सीजन जो है ये कंबाइन हो जाएंगे, और कैसे होगा कुछ देखिए क्या होगा, आर आर सी CH2, और ये देखिएगा ये बनेगा हमारा एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं मोलो ओजोनाइड। बच्चों ये जो होता है लीस्ट स्टेबल होता है, ध्यान रखिएगा लीस्ट स्टेबल, जी हाँ ये इंटरमीडिएट लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, और ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर रिपेल करेंगे एक दूसरे को, रिपल्सन कोज करेंगे, रिपल्सन होने की वजह से आप जानते हैं क्या है कि ये ज्यादा देर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, और ये फर्दर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा मोर स्टेबल इंटरमीडिएट दैट इज नोन एज ओजोनाइड। तो ये ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओजोनाइड जो होता है वो मोलो ओजोनाइड से थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको बोलते हैं ओजोनाइड, ये ओजोनाइड का स्ट्रक्चर है दैट इज लेस स्टेबल। अब देखिए मैंने यहाँ पे इंटरमीडिएट की बात करी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी किया होगा, ये लीस स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल, क्योंकि यहाँ रिपल्सन कम हो गया है, यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा था, ये लोन पेयर आपस में रिपल्सन कर रहे थे जिसकी वजह से इसकी एनर्जी ज्यादा थी, स्टेबिलिटी कम थी, लेकिन यहाँ पे रिपल्सन कम हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गया है। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आप लेते हैं जिंक वाटर, तो यहाँ पे जिंक वाटर लेंगे या फिर लेंगे आप डाइमिथाइल सल्फाइड। क्लियर है? ये आप लेंगे यहाँ पे डाइमिथाइल सल्फाइड, तो इन दोनों में से कोई सा एक लेंगे। अब होता क्या है बच्चों, यहाँ से ये रिंग जो है ये कुछ इस तरीके से क्लीव होती है, इसका नाम जो ओजोनोलिसिस पड़ा है वो इसीलिए पड़ा है ओजोन प्लस लिसिस, जिस माने होता है बॉन्ड क्लीवेज, यानी ओजोन जो है वो सिग्मा बॉन्ड तोड़ता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड कुछ ऐसे ब्रेक होगा, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन जो है ये नेसेंट ऑक्सीजन की फॉर्म में बाहर आता है, और ये दोनों ऑक्सीजन जो होते हैं ये इन कार्बन के साथ अटैच रह जाते हैं, बॉन्डेड रह जाते हैं, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन जो है नेसेंट ऑक्सीजन की फॉर्म में बाहर आता है, और इसको कैप्चर करना बहुत जरूरी है। कैप्चर किया तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, कंपाउंड को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आर आर सी डबल बॉन्ड ओ। क्लियर हुआ आपको? और यहां से क्या बनेगा बच्चों, यहां से बनेगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड ओ। क्लियर है? चलिए डबल आता हूं, डबल बॉन्ड ओ। क्लियर हुआ? इसको बच्चों सिंपली फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, HCHO। तो आप ही देखिए यहां से फ्रेगमेंट हुए दो, इस तरह टूटेगा ये वाला सिंगल ऑक्सीजन, ये हमेशा बाहर जाता है, ध्यान रखिएगा इसको अंदर नहीं लेना है, इसको बाहर निकालना है।
तो दिस इज द मैकेनिज्म. और ये ऑक्सीजन को जो है जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड इसको कैप्चर करता है. और साथ में अगर मैं बात करूं कि यहां पे बनेगा क्या, तो यहां पे बनेगा माइनस जिंक ऑक्साइड, क्लियर है, या फिर बनेगा डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, क्लियर है बच्चों. और इसी वजह से यहां पे कार्बोनिल कंपाउंड पर ही रिएक्शन रुक जाती है. ये कीटोन है और ये हमारा एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है क्योंकि रिएक्शन है हमारी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस. ये रिड्यूसिंग एजेंट है, नेचुरल ऑक्सीजन को कैप्चर करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे और रिएक्शन को फर्दर ऑक्सीडाइज होने नहीं देंगे. तो दिस ध्यान रखिएगा, ये स्टेप जो हमारा है यहाँ तक इसको बोलते हैं स्लो स्टेप बच्चों. ये स्लो स्टेप है हमारा ओजोनाइड तक वो बनना जो होता है, एल्कीन या एल्काइन से ओजोनाइड का बनना, ये स्लो स्टेप होता है. और उसके बाद जो रिंग क्लीव होगा, ओजोनाइड जो ब्रेक होता है और हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा या फिर हमारा कार्बोक्सिलिक कुछ भी बने, यानी रिंग क्लीव होने के बाद वो होता है हमारा स्टेप फास्ट स्टेप, क्लियर है. तो आरडीएस स्टेप जो है वो ये वाला स्टेप होता है जब ओजोन हमारी कंबाइन होती है एल्कीन या एल्काइन से बनाती है ओजोनाइड. आई थिंक क्लियर है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस. आई थिंक क्लियर हुआ होगा. अब कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ आपको. मैं आपको स्ट्रक्चर देता हूँ और आपको यहाँ पे गैस करना है, बना के देखना है कि प्रोडक्ट क्या होगा, फिर डिस्कस करते हैं. बच्चों कुछ प्रैक्टिस करते थे, यहाँ पे कंपाउंड दिया, देखिए ध्यान से देखिए, ये सब जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. देखिए यहाँ पर तो ये हमारे कहलाएंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड. और यहाँ पर हमने किया है इनका ओजोनोलिसिस. तो इनको देखिए यहाँ पे ओजोन इनर्ट सॉल्वेंट में जिंक वाटर लिया हुआ है, जिंक वाटर लिया हुआ है, यहाँ पर भी सेम लिया हुआ है. तो ये जो आप देख रहे हैं ये एग्जाम्पल है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का. और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो कंडीशन मेंटेन की हुई है, एक यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा फिर यहाँ पे जिंक और वाटर लिया हुआ है, दूसरी कंडीशन में हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया हुआ है. तो ये एग्जांपल होगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का. यहाँ पे भी दो कंडीशन मेंटेन किया हुआ है, पहला है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और दूसरा है हमारा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस. तो आइए प्रिडिक्ट पोज कीजिए और प्रिडिक्ट कीजिए प्रोडक्ट क्या बनेगा. अब करना क्या है बच्चों कि यहाँ पे जहाँ डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड को गायब कर दीजिए कुछ देर के लिए. ये लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ पे गायब हो गया है और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड जहाँ पर था उस कार्बन पर ऑक्सीजन को लगा दीजिए. तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया है. तो ये देखिए ये बन गया हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, क्लियर है आपको. जी हाँ, ये हमारा बन गया है डाइअल, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया है क्योंकि यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा. अब बात करते हैं इसकी, तो डबल बॉन्ड को गायब कीजिए. तो यहाँ पे देखिए मैं इसको पूरा कर देता हूँ, CH3 और यहाँ पे आ गया है हाइड्रोजन. तो डबल बॉन्ड गायब करेंगे, देखिए क्या होगा, यहाँ पे कार्बन पे दो मिथाइल लगे हुए हैं, तो दो मिथाइल लगा दिए इस कार्बन पे, मिथाइल मिथाइल. और यहाँ पे दूसरा फ्रेगमेंट जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे कार्बन पे एच लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, देखिए ये लगाया हमने CH3 और ये हो गया इस कार्बन पे एच, क्लियर हुआ. ये डबल बॉन्ड गायब कर दिया, दो फ्रेगमेंट मिले, एक फ्रेगमेंट ये वाला और एक फ्रेगमेंट ये वाला. अब यहाँ पे जहाँ से डबल बॉन्ड गायब हुआ है यहाँ पे आपको ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ लगाना है, क्लियर हुआ. तो ये बना हमारा कीटोन और ये बना हमारा एल्डिहाइड, क्लियर है. कार्बोनिल कंपाउंड बन गए हैं एल्कीन से ड्यू टू रिडक्टिव ओजोनोलिसिस. अब देखते हैं इस कंपाउंड को. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको गायब करना है, डबल बॉन्ड गायब करते हैं पहले, ये लीजिए, ये देखिए. अब आपको करना क्या है कि जहां पर डबल बॉन्ड गायब किया है और वो जो कॉर्नर की जिस कार्बन की वैलेंसी कम है वहां पे आपको सिंपली डबल बॉन्ड ओ जोड़ देना है और ये आपका प्रोडक्ट तैयार है. क्या ये आपको क्लियर है? यहां पर भी एल्डिहाइड ही बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, बिकॉज दीज थ्री आर द एग्जाम्पल ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस. क्योंकि यहाँ पे जिंक वाटर प्रेजेंट है ओजोनोलिसिस में, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ये वाला पॉइंट जो आपने दो शुरू में लिए थे ये उसके एग्जांपल है. अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें देखिए करना क्या है, वही डबल बॉन्ड गायब कर दीजिए. तो पहले बार रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का एग्जांपल है, डबल बॉन्ड में गायब कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए एक फ्रेगमेंट ये बनेगा और एक फ्रेगमेंट ये बनेगा, क्लियर हुआ. और यहाँ पर ये वाला कार्बन पे लगाना है आपको डबल बॉन्ड ओ, ये हमारा हो जाएगा H डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा हमारा H.
तो यहां भी हमको एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल मिल गए हैं बच्चों, ये देखिएगा, और यहां पे भी ये दो एल्डिहाइड क्लियर है, तो ये दो एल्डिहाइड के फ्रेगमेंट यहां से बन के बाहर आ जाएंगे। देखिए यहां पर ऐसा नहीं होगा, ध्यान से देखिए कि यहां पर पहले एल्डिहाइड बनेंगे और जैसे ही एल्डिहाइड बनेंगे तो वो होने से क्या होगा कि यहां पर एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहां पे आपको दो मॉलिक्यूल कुछ ऐसे मिलने वाले हैं, यहां पे जहां पे H लगा हुआ है यहां पे आपको सिंपली OH लगा देना है। तो अगर आप OH लगाते हैं तो देखिए आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये देखिए OH और ये देखिए OH, एक मॉलिक्यूल ये हमारा ऑक्सीडाइज हुआ, एक मॉलिक्यूल हमारा ये हुआ, तो ये दो मॉलिक्यूल आपको मिल गए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के, डाइओइक एसिड के। क्या क्लियर है आपको? So this was the example of oxidative ozonolysis and this was the example of reductive ozonolysis. अब बात करते हैं इसकी, रिडक्ट कीजिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है काफी फ्रिक्वेंटली मेडिकल में, तो काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताओ, ऐसे आपको चार ऑप्शन देगा, कंडीशन दे देगा और बोलेगा कि कौन से कंपाउंड से, कौन से स्ट्रक्चर से CO2 बाहर आएगा। जी हाँ, CO2 बाहर आएगा। तो क्वेश्चन ये बनता है, तो सिंपली करना क्या है, डबल बॉन्ड जहां पे है वहां से डबल बॉन्ड को गायब कर देना है, तो एक फ्रेगमेंट क्या दिखाई देगा, CH3CH, क्लियर आपको, ये वाला फ्रेगमेंट होगा, दूसरा फ्रेगमेंट एक यहां से ये आएगा और तीसरा फ्रेगमेंट यहां से ये आएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो यहां पे हमने डबल बॉन्ड गायब किया है तो यहां पे हम लगा देंगे O, क्लियर हुआ। अब देखिए एक ऑक्सीजन यहां पर आएगा इस कार्बन पे, एक ऑक्सीजन इधर से आएगा, तो ये वाला हो गया हमारा CO2 मॉलिक्यूल और यहां से डबल बॉन्ड हटा है हमारा, तो यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस वाले कार्बन पे जोड़ देंगे, तो इस फ्रेगमेंट से क्या दिखाई देगा होगा आपको, इससे आपको दिखाई देगा C डबल बॉन्ड O R R। क्या ये क्लियर है? तो देखिए यहां पे इस स्ट्रक्चर से, इसको एलीन बोलते हैं बच्चों, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक टाइप है, एल्कीन के टाइप है, तो उसको बोलते हैं एलीन। तो एलीन से हमको क्या मिला, देखिए इससे हमको मिला इस फ्रेगमेंट से एल्डिहाइड, दूसरे से हमको मिला CO2 और तीसरे फ्रेगमेंट से हमको क्या मिलता है, कीटोन, क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूं 1 2 और ये 3, तो बताइए कौन से कार्बन से आपको CO2 गैस मिला है। तो हम कह सकते हैं कि दूसरे कार्बन से हमको CO2 मिला है, थर्ड कार्बन से हमको कीटोन मिला है, फर्स्ट से हमको एल्डिहाइड मिला है। ऐसा भी ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, मेडिकल्स वगैरह में। अब बात को आप फर्दर कीजिए, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि जहां पे एल्डिहाइड है वहां पे CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में और कीटोन पे कोई फर्क नहीं पड़ता इस कंडीशन से। तो यहाँ पे ये दोनों सेम रहने वाले हैं इस कंडीशन में, बस यहाँ पे आपको मिल जाएगा CHO जगह CO आ जाएगा और ये बन जाएगा एथेनोइक एसिड। क्लियर है आपको ये?